हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, क्या क्या इसकी ब्रांचेज होती है, क्या इसके इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या इसका स्कोप होता है, और जो भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरी है वो हम देखते हैं आज। हॉर्टिकल्चर बेसिकली किसको बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर कोई भी जो अपना एक एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जिसमें कि कल्टिवेशन या फिर आर्ट या साइंस या फिर टेक्नोलॉजी, जिसमें किसका कल्टीवेशन करते हैं? वेजिटेबल का, वेजिटेबल फ्रूट या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इनका साथ साथ प्रोसेसिंग करना, उसको अपन कहते हैं हॉर्टिकल्चर, एक एग्रीकल्चर की ब्रांच। ठीक है, इसके जो नाम है वो कहाँ है? एक लैटिन वर्ड है हॉर्टस, इसका मतलब क्या होता है? गार्डन। और कल्चरा क्या होता है? कि कल्टीवेशन। हॉर्टस मतलब गार्डन, कल्चरा मतलब क्या है? कल्टीवेशन। कौन से वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसके जो डिफरेंट ब्रांचेज होती है हॉर्टिकल्चर की, जो ब्रांच है वो क्या क्या है? एक तो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसको बोलते हैं? कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप, उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। दूसरा है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, उसको क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप, कि भाई फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरिकल्चर, और फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी। और दूसरा जो प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि कोकोनट हुआ, कॉफी हुआ, अरेकानट हुआ, टी हुआ, ऐसी कोई भी कल्टीवेशन करते हैं तो उसको अपन कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप। इसमें जैसे जैसे हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टी में जो क्या वर्ड आता है? हॉर्टस वर्ड आता है। ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। उसके बाद में जैसे यहाँ पोमो है, पोमोलॉजी, इसमें क्या है? ऐसे दो वर्ड है, एक तो वो अपना पोम, पोम एक क्या है? फ्रूट, फ्रूट का टाइप। लॉजी क्या होगा? स्टडी या फिर अपना कोई भी रिलेटेड टू कौन सी वर्ड के पोम, पोम से रिलेटेड कोई भी स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी अपन कहते हैं। है ओलेरी या ओलेरस, ओलेरस एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है बेसिकली वेजिटेबल। ऐसा ही क्या है? फ्लोरस, फ्लोरस एक वर्ड है, उसका मतलब होता है अपना फ्लावर क्रॉप। तो कल्चरा, कल्चर अपना एक सेम वर्ड है। लॉजी यहाँ पे ये एक ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, और ये जो पोम है ये अपना एक लैटिन वर्ड है। तो कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई पोमोलॉजी कौन से वर्ड का आता है, तो ये क्या है? एक तो लैटिन भी है और एक ग्रीक भी है। बाकी जिसमें कल्चर लग रहा है मतलब कि वो एक तरह का लैटिन वर्ड है। ठीक है, एक इसकी एक ब्रांच आती है पोस्ट हार्वेस्ट, PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। कोई भी जो जैसे मान लो फ्रूट हुआ, तो फ्रूट का कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे या फिर उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं ना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक, कोई भी टेक्निक लगा के और उसका कोई बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कौन सी एक ब्रांच में चला जाता है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ऐसे एक ब्रांच तो इसकी हो गई है हॉर्टिकल्चर की पोमोलॉजी, दूसरी ब्रांच हो गई ओलेरिकल्चर, तीसरी ब्रांच हो गई इसकी फ्लोरिकल्चर, ये प्लांटेशन क्रॉप और एक मेडिसिनल क्रॉप। ये एक सब इसका ब्रांच होता है, प्लांटेशन एंड मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स, जिसमें कि प्लांटेशन क्रॉप में तो किसकी खेती करते हैं अपन? रबर हुआ, कॉफी हुआ, कोकोनट हुआ। मेडिसिनल में जैसे सफ़ेद मूसली हुआ, अपना लेमन ग्रास हुआ, जो भी अपना मेडिसिनल के यूज में आते हैं वो मेडिसिनल। एरोमेटिक या फिर जैसे एरोमेटिक में क्या आता है? कोई भी एरोमा या फ्लेवर के लिए जो क्रॉप काम में आती है, जैसे हल्दी हुआ है, अपना काली मिर्च हुआ है, वो कहाँ आते हैं? मेडिसिनल एंड मतलब एरोमेटिक क्रॉप्स में। स्पाइसेस क्रॉप जो अपना स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स जो अपना क्रॉप्स होता है
वो जैसे कि अपना क्रॉप लाइक कार्डमम हुआ, कार्डमम मतलब अपना इलायची हुआ, पेपर हुआ मतलब कि अपना काली मिर्च हुआ, नटमग हुआ, ये स्पाइसेस के अंदर अपन इसकी स्टडी करते हैं। मैंने बताया मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप की कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल मेडिसिनल प्लांट जिसका मतलब कोई भी मेडिसिनल में, या फिर जैसे एरोमेटिक क्रॉप जिसका कोई भी है ना ऑयल या फिर एरोमा प्रदान करने में काम में लेते हैं, तो उनको एरोमेटिक क्रॉप्स कहते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैंने बोला कि कोई भी मानो कि अपना फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, या फिर फ्लोरिकल्चर हुआ, या स्पाइस हुआ, या फिर मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप हुआ, उनका कोई भी बायो प्रोडक्ट बनाते हैं वो किस में करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में उसका अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्चार्ड होते हैं, जैसे सेब हुआ है, अपना चीकू हुआ है, उसके बाद में अपना कोई भी मैंगो हुआ है, तो फ्रूट क्रॉप आप सब लोग जानते हो, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। ओलेरिकल्चर जैसे अपना पत्ता गोभी हुआ है, अपना ब्रोकली हुआ है, कोई भी जो वेजिटेबल अपन खाते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, ओलेरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर में फूलों का कोई भी ऑर्नामेंटल हुआ, एक इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है ऑर्नामेंटल, आर्किटेक्चर। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई भी जो गार्डन्स होते हैं उसको सजाने का, डिफरेंट डिफरेंट के जैसे चेयर हो गया, डिफरेंट हाथी की आकार का कोई प्लांट को काटते हैं, या आर्किटेक्चर मतलब उसमें कोई भी सजावटी करते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटल आर्किटेक्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर में जैसे फूलों की खेती होती है, फूलों की जो खेती होती है उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर होते हैं, जैसे अपना मोगरा हो गया, टूलिप हो गया, या फिर अपना क्या नाम से ग्लेडियोलस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट जो अपने फूल है उनका जो कल्टीवेशन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, फ्लोरिकल्चर उसको अपन कहते हैं। इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या अपने को इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है इसके, तो जैसे बेसिकली इसमें क्या होता है कि भाई एक तो ये जो भी हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट होते हैं वेजिटेबल होते हैं वो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स उसका भरपूर होता है, उसमें न्यूट्रेंट भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसमें उसका जो फ्लेवर होता है, जैसे अपन कहते हैं कि भाई है ना कोकोनट फ्लेवर का है ये, या फिर इसमें जैसे कोई भी टर्मेरिक है तो उसको मतलब कलर प्रदान करता है, कोई एल्कलॉइड प्रदान करता है, या उसमें क्या है ओलेरिजन होता है या फाइबर होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट के इसमें क्या है कि मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इसमें एल्कलॉइड होते हैं, इसमें जो भी इसका जो अपना विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भरपूर मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, सोर्स ऑफ मेडिसिन पाए जाते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट के एल्कलॉइड निकलते हैं जिससे कि मेडिसिन बनती है। उसके बाद में इकोनॉमिकल पोजीशन जो होता है इसका, जो क्या है कि इकोनॉमिकली हाई रेट में मार्केट में जाता है, जैसे गेहूँ अपने वही 25 रुपये के जी गेहूँ जाते हैं, लेकिन जैसे मैंगो खरीदने जाओगे तो आपको मार्केट में ना 40 रुपये पर केजी उसका प्राइज मिलेगा। ऐसे मैंगो के अलावा अगर कोई भी जैसे टर्मेरिक हुआ या फिर गार्लिक हुआ, इनके जो प्राइस होता है वो बहुत हाई रहता है, जैसे अपना केसर हुआ, तो केसर अगर आप खरीदने जाओगे तो केसर का 1 केजी का भाव इलाकों में होगा, तो ऐसा इसका क्या होगा, इकोनॉमिकल जो प्रोपोजिशन है, इकोनॉमिकली प्रोपोजिशन बहुत हाई रहता है इन क्रॉप का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कोई भी जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाता है तो उसको क्या है कि लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वो जो लेबर को इनकम मिलेगा, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, या फिर उसका कोई बाय प्रोडक्ट बनाएगा तो फैक्ट्री में जाएगा प्रोडक्ट, तो एम्प्लॉयमेंट उसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट कोई भी रिसोर्सेज होता है, वेस्ट लैंड होती है, तो उसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अपन कर सकते हैं, कोई भी मेडिसिनल क्रॉप लगा के या फिर कोई भी फ्लोरिकल्चर क्रॉप लगा के, जहाँ से अपना कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, या फिर मान लो कि कोई उसको जैसे संभालने वाला नहीं है, तो कोई भी है ना पेरेनियल क्रॉप लगा के छोड़ देते हैं, तो हार्वेस्टिंग या फिर उसका ना मैनेजमेंट करना
इजी हो जाता है। अगर खेत में काम ज़्यादा रहेगा तो अपना जो फैमिली होता है उसका इनकम जनरेट होगा। इनकम जनरेट क्या कि फा जो भी मतलब जैसे एक फैमिली स्ट्रक्चर में फादर भी है, मदर भी है या ब्रदर सिस्टर है, तो वो सभी एक ही काम में लगे रहते हैं, तो वो क्या है कि वर्ष पर्यंत लगे रहते हैं, तो उसका क्या है कि इनकम जनरेट होता रहता है। दूसरा कि ये ऐसे प्रोडक्ट है हॉर्टिकल्चर, जैसे अपना केसियो हो गया, काजू हो गया है, बादाम हो गया है, इनको क्या है कि बाहर की कंट्रियों में अपन बेचते हैं, बाहर की कंट्रियों में बेचते हैं, तो बाहर का जो पैसा आता है, जो डॉलर होता है या फिर यूनान होता है, वो अपना मतलब इनकम फॉरेन एक्सचेंज होता है, तो उससे क्या होता है मार्केट वैल्यू बढ़ती है। उसके बाद में कि भाई जो इनपुट इंडस्ट्री होती है उसके लिए क्या होता है कि भाई जो प्रोसेसिंग के लिए कोई भी उसका रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल आसानी से मतलब फ्रूट और वेजिटेबल होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो वो उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। ये इसके क्या हो गए, इम्पोर्टेंस इसके हो गए। क्या क्या स्कोप हो सकते हैं हॉर्टिकल्चर के, क्या क्या स्कोप होते हैं कि जैसे एक तो जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो मतलब खाने की प्रवृत्ति होती है, वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर ला सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिश बनाया जा सकता है। इसके बाद में कि ये जो भी फ्रूट होते हैं उसमें रिच कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, रिच प्रोटीन होता है, रिच विटामिन्स होता है, तो ये क्या कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मिनरल्स। उसके बाद में कि जो जैसे हॉर्टिकल्चर जो भी क्रॉप है उसमें क्या है कि जो भी ह्यूमन की बॉडी को न्यूट्रेंट चाहिए होते हैं वो बैलेंस न्यूट्रेंट होते हैं, बैलेंस न्यूट्रेंट होता है। तो एक तो कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चरिस्ट होगा उसमें क्या है कि एक तो वेजिटेबल और फ्रूट अपने को जैसे ICMR कहता है, ICMR क्या कहता है कि पर आदमी को 300 ग्राम वेजिटेबल डेली खाना चाहिए, 120 ग्राम फ्रूट डेली खाना चाहिए। ये कौन कहता है, ICMR कहता है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। क्या कहता है कि भाई 300 ग्राम तो सब्जी खाना ही खाना चाहिए और 120 ग्राम फ्रूट खाना ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी में न्यूट्रेंट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, वो सब किस में पाए जाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये एक इसका हॉर्टिकल्चर का स्कोप है कि भाई जब से कोविड आया, कोविड के बाद में लोगों को क्या है कि हेल्थ का अवेयरनेस हुआ है, तो वो सब लोग कहाँ वेजिटेबल खाने में या फिर फ्रूट खाने में पड़े हैं, नहीं तो गांव वाले कहाँ फ्रूट खाते हैं, गांव वाले कहाँ वेजिटेबल खाते हैं, सुबह वेजिटेबल बनाते नहीं है, दही से या दूध से खा लेते हैं, छाछ से खा लेते हैं। तो ये एक इसका स्कोप हो सकता है कि भाई अब लोग वेजिटेबल या फ्रूट अब खाने लगे हैं, तो इसका एरिया और प्रोडक्शन उसका एक्सपेंड हो सकता है। इसके बाद में कई कई जो सिटी में आदमी होते हैं जो सिटी में कभी खेत देखते नहीं हैं, तो उनका क्या कि गार्डनिंग का एक हॉबी होता है या गार्डनिंग उनका करने का एक रुचि होती है, तो वो एक हॉबी को कंप्लीट करने के लिए गार्डनिंग स्टार्ट कर सकता है स्मॉल स्केल पे। तो ये इसके स्कोप हो सकते हैं। उसके बाद में कि जो मतलब ऑर्नामेंटल जो भी ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होती है, जैसे सिटी में गार्डन डेवलप करना होता है, तो गार्डन डेवलपमेंट के लिए गार्डन सुपरवाइजर हो गए या फिर जिसको जानकारी होती है जैसे माली कम वातमैन हो गया, ऐसी पोस्ट क्रिएट करके उसका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे फ्लावर का कोई भी डिफरेंट गार्डलैंड हो गया है, डिफरेंट माला हो गया, अपन गुलदस्ता देते हैं, तो ऐसे जो भी फ्लोरिकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे भी इनका स्कोप मतलब हॉर्टिकल्चर का स्कोप जनरेट कर सकता है। तो वो जैसे एक प्राइवेट स्केल पे, स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री डेवलप कर सकता है, ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री डेवलप कर सकता है, और जैसे लैंडस्केप को ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी बैरन लैंड पड़ा है, बैरन लैंड पड़ा है तो उसको कोई भी सजावटी वृक्ष या फिर सजावटी झाड़ियाँ लगा के और उसको ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, तो देखने में वो सुंदर लगेगा, तो वो एक हॉर्टिकल्चर का स्कोप होता है। इनकम हॉर्टिकल्चर का मैंने बताया ना कि हॉर्टिकल्चर क्या करेगा कि उसको क्या है कि जैसे एक तो क्या करेगा कि इसमें वेजिटेबल का है ना इनकम, एक इनकम जो होता है कंपेयर टू एग्रोनॉमिकल क्रॉप उनका जो प्राइस होता है मार्केट का वो हाई रहता है, तो उसका इनकम जाहिर है जनरेट होने वाला है।
कोई भी ग्रेजुएटेड या फिर कोई भी हॉर्टिकल्चर की नॉलेज रखता है तो उसको कोई भी ऑफिसर रैंक या फिर गजेटेड रैंक की उसको जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में कि भाई उसको जैसे कोई भी फार्मर या फिर कोई भी प्लांट को ट्रेनिंग करना करवाना आता है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ करवाना आता है, तो वो उसको ट्रेनिंग का नॉलेज देके और अपना मतलब एम्प्लॉयमेंट या अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। और उसके बाद में जैसे ये जो वर्क है ये इंडोर भी कर सकता है और आउटडोर भी कर सकता है। कैसे कि जैसे इंडोर में कोई भी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है उसको डिजाइन किया और उसके बाद में आउटडोर पे उसको क्या नाम से जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई भी कॉलेज एजुकेशन हुआ, कॉलेज में जो हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट होते हैं या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई भी फार्मर आता है तो उसको अपन टीच करके या एजुकेटेड करके और अपना एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, स्कोप है इनकम एम्प्लॉयमेंट में, इनकम इनकम में प्लस अपना क्या क्या इसका न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशनल आउटकम है या फिर क्या क्या इसका अदर जो भी स्कोप हो सकता है वो यहाँ पे इस स्लाइड में दर्शाया गया है। तो बेसिकली जो भी स्कोप है वो इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस का मतलब कि क्या क्या मतलब इसमें गुणवत्ता है, क्या क्या महत्वता हॉर्टिकल्चर प्रदान करता है। तो थैंक यू फ्रेंड, ये आज का एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें बेसिक आइडिया है कि क्या क्या ब्रांचें हॉर्टिकल्चर की होती है, क्या क्या इसमें पढ़ा जाता है और क्या क्या इसमें किया जा सकता है कि ऑफिसर लेवल तक की या सुपरवाइजर लेवल तक की रैंक के जॉब इसमें गेन कर सकते हैं। थैंक यू।